नमस्कार, मैं रोहन भेंडे और आप देख रहे हैं सीधी बात, सीधी बात सीधे सवालों के साथ। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो संविधान निर्माताओं ने आरक्षण का मुद्दा, आरक्षण इसलिए डिज़ाइन किया था कि जो भी हमारे समाज में दबा कुचला वर्ग है उसको एक न्याय की पायरी मिले और उस सीढ़ी को चढ़ के वो अपना मुकाम पा लें। उसके बाद यह हुआ कि यह बहुत लंबी प्रक्रिया है। लोग कभी कभी यह कह जाते हैं कि अंबेडकर ने यह कहा था कि 10 साल के लिए आरक्षण चाहिए, उसके बाद वो 70 साल भी चलता रहा तो उससे कुछ, हाँ वो ठीक है, लेकिन समाज में जो उत्पीड़न की, जातीय उत्पीड़न की प्रक्रिया है वो बहुत लंबी है। तो उस लंबी प्रक्रिया से गुजरते हुए आरक्षण एक हम कह सकते हैं कि वो अधिकार है उस समाज का जिसको प्रताड़ित किया गया है। उसके बाद बहुत सारे स्टडीज़ हुए, पहले मंडल आयोग आया, मंडल के बाद बहुत सारे कमीशन है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट्स है, इन सारी चीज़ों में एक स्टडी किया गया कि आरक्षण से हम कितना पा रहे हैं, कितना लाभ हो रहा है। लेकिन उसी के साथ जो निर्माताओं की, जो पॉलिटिकल निर्माताओं की भूमिका है, उस पर सवाल खड़े हो जाते हैं। अभी राज्यसभा और लोकसभा में एक विधेयक पारित किया गया जिससे आरक्षण का जो मुद्दा है, महाराष्ट्र ने, ये हम महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में आपको समझा सकते हैं कि महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन की एक आंदोलन चला, उसके बाद विपक्ष और पक्ष दोनों ने एक ही मत से इस प्रस्ताव को पारित किया और मराठाओं को आरक्षण मिला। उसके बाद उसको कोर्ट में चैलेंज किया गया, कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया, क्योंकि कोर्ट ने यह कहा कि 50% की सीमा किसी को अलाउ नहीं है कि उसको एक्सिट कर जाए। तो उसके बाद वो स्ट्रक डाउन हुआ और जो मराठा आरक्षण के जो लाभार्थी है, जिनको जॉब मिला था मराठा आरक्षण के कारण, उन लोगों के जॉब भी चले गए। उसके बाद अब जो संसद में विधेयक आया है वो पारित भी, लोकसभा में तो कल पारित हो गया, आज राज्यसभा में भी उसको लगभग पारित हो जाएगा क्योंकि किसी भी पार्टी ने उसको विरोध नहीं किया। लेकिन मेरे कुछ अलग सवाल है, आरक्षण का मुद्दा क्या कोई पॉलिटिकली ऐसा मुद्दा है जिसमें हम इलेक्शन की जो भी राजनीति है उसी को देखते हैं? क्योंकि मैं ये क्यों कह रहा हूँ, अगले कुछ महीनों में 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश उसमें सबसे बड़ा राज्य है। अब यह हुआ कि एक तरफ ऐसा पूरे देश में वातावरण है कि ये जो आंदोलन है, ये जो आरक्षण है इसको ख़त्म करना चाहिए, लेकिन उसी के परक्स एक पूरा का पूरा ऐसा एक बिल, एक लीगल स्वरूप हम उसको दे रहे हैं कि आरक्षण को और बढ़ाया जाए, कितना बढ़ाया जाए उस पर भी ये होगा, राज्य को अधिकार मिले, राज्य खुद डिसाइड करे। क्या ये, इससे एक जुड़ा हुआ यह सवाल है, क्या यह राज्य सरकारों को धकेलने की एक कोशिश है? क्योंकि मैं ये क्यों कह रहा हूँ, राज्य सरकारों के पास इतना पावर अभी नहीं है कि वो कोई लेजिस्लेटिव कानून बनाए। अब अगर कानून बनाया भी जाएगा तो क्या वो कोर्ट में टिक पाएगा, यह एक पहला सवाल है। तो इस अमेंडमेंट के पहले क्या वो 50% की जो सीमा लांघने की बात कह रही है, 50% सीमा लांघने की जो बात हमेशा से कही गई है, क्या केंद्र सरकार को उस पर ध्यान देना नहीं चाहिए था? क्या यह सवाल नहीं पूछना चाहिए? मराठाओं का आरक्षण दिया, उस समय भी यह चर्चा हुई थी कि वो कोर्ट में नहीं टिकेगा तो फिर उस समय सामान्य लोगों के अधिकारों के साथ, सामान्य लोगों की भावनाओं के साथ क्यों खिलवाड़ की गई? क्या यह सवाल नहीं पूछना चाहिए? क्या यह सवाल नहीं बनता है कि अगर आप राजनेताओं को यह पता है कि वो जो लेजिस्लेटिव पावर लेके ये कोई कानून बना रहे हैं वो ऑलरेडी ही कानून के दायरे से बाहर है, तो वो क्यों बनाते हैं? क्या यह सवाल उनसे नहीं पूछना चाहिए? क्यों लोगों की भावनाओं को क्यों? क्योंकि यह सीधा सीधा मतों का बाजार है। मंडल कमीशन को भी आप देख लीजिए कि वीपी सिंह ने जब मंडल कमीशन की घोषणा की तो मंडल कमीशन के बाद वीपी को डायरेक्ट उसका फायदा मिला था। हाँ, मंडल की राजनीति के बाद कमंडल का भी दौर आया और कमंडल की दौर वाले लोग आज उस सत्ता में बैठे हैं, वो कोई ये नहीं। कल ही राज्य आरएसएस के एक हुसबड़े साहब जो है उन्होंने बयान दिया कि आरक्षण समाज की ज़रूरत है। एक तरफ आरएसएस ये कह रहा है कि आरक्षण समाज की ज़रूरत है और दूसरे तरफ उसी धड़े से कुछ लोग कह रहे हैं कि आरक्षण ख़त्म करना है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन कब तक चलेगा? और इस पर एक सवाल ये भी है कि कॉन्ट्राडिक्शन पर हम ध्यान भी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? और एक सवाल है, सिर्फ आरक्षण की बात कही जाती है और जॉब की बात करें, डेवलपमेंट कहाँ है? कहाँ इतने लोग, क्या हम इसके साथ ही समाज के जो दबे कुचले लोग हैं आज भी
उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, यहाँ पे जो जाति जातिगत राजनीति है, जो दबे कुचले लोग हैं उन पर आज भी अत्याचार हो रहे हैं। किसी को घोड़ी पर चढ़ना या फिर किसी ने मूछ बढ़ाना, ये भी एक गुनाह है समाज में आज भी 70 सालों के बाद। तो ये यह जो व्यवस्था बनी हुई है, इस व्यवस्था के साथ उस रिजर्वेशन का कब तक फायदा होगा और कितना फायदा होगा, ये भी तो एक सवाल। इसी के साथ आखिरी एक सवाल है कि जब हम हमारे पास जो भूमिकाएं हैं वो भूमिकाएं संशोधित नहीं है, कितनी कमिटीज़ बनी है, कितने कमिटीज़ के साहबानों का ये हो, या फिर हम जितने भी कोर्ट्स के ऑर्डर है उस कोर्ट्स के ऑर्डर को डिफाइन करते हुए किसी लेजिस्लेटिव लॉ को क्यों नहीं बना रहे हैं, ये भी एक सवाल हमें बनाना देखना पड़ेगा। तब जाके इन सारे घटनाओं पर हमें जो कहना है वो कह सकते हैं, क्योंकि कानून बनाने से नहीं होगा। इतने कानून बने हैं लेकिन वो कोर्ट में अगर नहीं टिकेंगे तो सामान्य लोगों और जो स्टूडेंट है जिनका भविष्य उस पर लगा हुआ रहता है, वो अंधकार में चला जाता है। तो ये सारे सवाल है इस घटना के साथ। इसी के साथ मैं आपको छोड़ जा रहा हूँ, कल और मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। मैं रोहन भेंडे और आप देख रहे हैं सीधी बात।